एग्जाम्पल नंबर फाइव हाउ मच ए बोल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हाइट ऑफ फोर फीट सो हैज टू क्लियर ए वॉल थर्टीन फीट हाई डिस्टेंट फिफ्टीन फीट इन एरिजोटल डायरेक्शन एंड इट डिच फाइव फीट वाइड ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल हमें फाइंड आउट करना है कि किसी बोल को हम फोर फीट की हाइट से कैसे प्रोजेक्ट करें कि वो एक थर्टीन फीट की हाइट की वॉल को क्लियर कर जाए और वो वॉल है वो फिफ्टीन फीट डिस्टेंस पे होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर और उस वॉल के दूसरी साइड है वो वो डिच होगी होगी फीट कर लेते हैं कि ये फोर फीट की हाइट से यहां से एक बॉल प्रोजेक्ट की जाती है और इस तरीके से कैसे करेंगे इस बॉल को प्रोजेक्ट कि वो थर्टीन फीट की हाइट की वॉल को क्रॉस कर जाए ये थर्टीन फीट की हाइट ले, ले, लेते हैं ये थर्टीन फीट की हाइट की वॉल कैसे प्रोजेक्ट करें कि जो थर्टीन फीट की हाइट की वॉल है उसको क्लियर कर जाइए गिवन है कि ये जो वॉल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिफ्टीन मीटर की डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितने डिस्टेंस पे है फोर्टीन सॉरी फिफ्टीन फीट की डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस दे रखी है फिफ्टीन फीट और अनदर साइड वॉल के पड़ी है फाइव फीट ये डिस्टेंस दे रखी है फाइव फीट इतनी की अब हमें पता है कि जिस पॉइंट से हम बोल को प्रोजेक्ट करते हैं वो पॉइंट है उसको हम ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं ये ओरिजिन ओरिजन के पैरेलल लाइन ले लेते हैं एक्स एक्सेस हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर होगा वो वाई एक्सिस इसे नाम दे देते हैं ए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी इसको सी डी इसको पी और इसको क्यू अब हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे प्रोजेक्ट करें मतलब किस एंगल से प्रोजेक्ट करें कि ये इसको क्या कर जाए क्रॉस कर जाए मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो यू है और इसको हम अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सबसे पहले ये वो डिस्टेंस फोर फीट है इसके पैरेलल क्या है बी सी तो ये भी फोर फीट हो जाएगी इतनी इतनी तो ये पी सी डिस्टेंस कितनी बचेगी नाइन फीट बचेगी इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स एक्सेस से इस पी की डिस्टेंस कितनी होगी कितनी है फिफ्टीन ये फिफ्टीन है तो ये भी फिफ्टीन हो जाएगी तो एक्स इसकी डिस्टेंस है फिफ्टीन और वाई एक्सेस से मीन ये डिस्टेंस कितनी है टोटल थर्टीन थी ये फोर थी तो ये नाइन गई Nine. और इस क्यू पॉइंट जो हॉरिजॉन्टल मीन ये जो बॉल है वो ग्राउंड को किस पॉइंट पे टच कर रही है क्यू पॉइंट पे टच कर रही है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स एक्सिस इसकी डिस्टेंस इतनी इतनी ये फिफ्टीन है और आगे की ये फाइव दे रखी है तो एक्स एक्सिस इसकी डिस्टेंस हो जाएगी फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी और वाई एक्सिस है ये मतलब ये डिस्टेंस फोर फीट है बट नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस का फोर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वाई की वैल्यू नेगेटिव मेजर करते हैं तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ वी नो दैट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज ये इसने जो पाथ फॉलो किया ये एक ट्रैजेक्टरी है ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन होती है y x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर को इक्वेशन वन अब ये जो पॉइंट पी है वो इस प्रेजेक्टरी के ऊपर ही है और क्यू पॉइंट भी इसी प्रेजेक्टरी के ऊपर है तो दोनों के दोनों हैं वो पी को सेटिस्फाई करेंगे सिंस पी एंड क्यू पॉइंट लाइज ऑन वन देय फोर देर सेटिस्फाई इक्वेशन वन सबसे पहले पी पॉइंट इसमें पुट करते हैं पी पॉइंट पुट करेंगे टेन अल्फा माइनस जी एक्स की वैल्यू है फिफ्टीन यानी फिफ्टीन का स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर कॉ स्क्वा यहां से वैल्यू आ जाएगी ये माइनस वाली वैल्यू इस तरफ ले जाते हैं नाइन इस तरफ ले जाते हैं तो बचेगी फिफ्टीन का स्क्वायर हो जाएगा टू ट्वेंटी फाइव जी अपोन में टू यू स्क्र को स्क्र अल्फा इज इक्वल टू फिफ्टीन टेन अल्फा ये प्लस का नाइन इस तरफ आके माइनस का नाइन इक्वेशन टू एंड ये जो क्यू पॉइंट है वो भी तो इसी प्रोजेक्टरी के ऊपर है तो ये भी सेटिस्फाई करेगा पॉइंट है ट्वेंटी और माइनस फोर वाई की वैल्यू होगी माइनस फोर एक्स की वैल्यू हो जाएगी ट्वेंटी यानी कि ट्वेंटी टेन अल्फा माइनस ट्वेंटी का स्क्वायर हो जाएगा फोर हंड्रेड जी अपोन में टू यू स्क्केर अल्फा यहां से ये वैल्यू इस तरफ ले जाते हैं तो वैल्यू आ जाएगी फोर हंड्रेड जी अपोन में टू यू स्क्वायर को स्केयर अल्फा इज इक्वल टू ये माइनस का फोर इस तरफ ले आते हैं तो ट्वेंटी टेन अल्फा प्लस फोर इक्वेशन थ्री अब हम इक्वेशन टू और को डिवाइड कर देते हैं डिवाइड इक्वेशन टू बाय थ्री टू और थ्री को डिवाइड करेंगे तो टू यूज कर बचेगा टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अपोन में फोर हंड्रेड तो बचेगा टू ट्वेंटी फाइव अपॉन में फोर हंड्रेड इक्वल बचेगा फिफ्टीन टा माइनस नाइन अपॉन में ट्वेंटी टेन अल्फा प्लस फोर ये कैंसिल आउट हो जाएगा ट्वेंटी फाइव की टेबल पे नाइन पे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा ट्वेंटी फाइव की टेबल पे फोर हंड्रेड कैंसिल आउट हो जाएगा सिक्सटीन पे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी नाइन अपॉन में सिक्सटीन इज इक्वल टू ऊपर कॉमन ले सकते हैं थ्री बचेगा फाइव टेन अल्फ़ा माइनस थ्री में नीचे से कॉमन ले सकते हैं फोर बचेगा प्लस वन थ्री के टेबल पे कैंसल आउट हो जाएगा ये थ्री पे फोर के टेबल पे कैंसल आउट हो जाएगा फोर पे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे फाइव टेन अल्फा प्लस वन से तो वैल्यू आ जाएगी फिफ्टीन टेन अल्फा प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर को इससे करेंगे तो ट्वेंटी टेन अल्फ़ा माइनस ट्वें यहाँ से फिफ्टीन टेन अल्फा उस तरफ शिफ्ट करवाएंगे तो ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन रह जाएगा फाइव टेन अल्फा और माइनस ट्वेल्व को इस तरफ शिफ्ट करवाएंगे तो थ्री प्लस ट्वेल्व फिफ्टीन टेन अल्फा यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टीन अपौन में थ्री सॉरी फिफ्टीन अपोन में फाइव यानी कि थ्री तो टेन अल्फ़ा आ जाएगा थ्री के इक्वल यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स थ्री मतलब अगर हम उस बॉल को इस अल्फा यानी कि टेन इनवर्स थ्री एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे वो बॉल क्या कर जाएगी थर्टीन फीट की जो अनदर वॉल है उसको क्लियर कर जाएगी क्रॉस कर जाएगी